हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स। सो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स का जो प्रैक्टिकल मीनिंग होता है वो होता है टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है किसी चीज़ को घुमाना या किसी चीज़ को टर्निंग इफेक्ट देना। अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम जाता है या किसी चीज़ में टर्निंग इफेक्ट आ जाती है तो उसी को हम टॉर्क बोलते हैं या हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन थी, बट जो टेक्निकल डेफिनेशन है एग्ज़ाम में जो लिखनी है वो ये है कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज़ इक्वल टू द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और पाइवेट पॉइंट। और यू कैन से इन सिंपल लैंग्वेज टॉर्क इक्वल टू एफ इन टू आर। ठीक है, टॉर्क टी मीन्स टॉर्क एंड टी मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज इक्वल टू फोर्स इन टू आर। ठीक है, फोर्स मीन्स वट एवर फोर्स यू विल अप्लाई एंड आर मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वेयर यू आर अप्लाइंग द फोर्स। तो इसका यह मतलब होता है कि टॉर्क टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स किस चीज़ का प्रोडक्ट है, फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ठीक है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स किस चीज़ का प्रोडक्ट है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ठीक है, एफ मीन्स फोर्स, आर मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड टॉर्क मीन्स टर्निंग इफेक्ट, किसी चीज़ को घुमाना। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम्पल जो है वो है डोर है, स्पैनर है। स्पैनर को ही हम लोग रिंच बोलते हैं। जैसे कि बाइक कार में जो नट टाइट करते हैं तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, स्पैनर या रिंच का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पहले इसका एग्ज़ाम्पल देख लेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे एक्ट करता है और क्या इसके यूजेज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू आर। टी मीन्स टॉर्क, एफ मीन्स फोर्स, आर मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवेट पॉइंट। ठीक है, तो पाइवेट पॉइंट क्या होता है, पाइवेट पॉइंट जो होता है वो एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। ठीक है, जैसे कि ये एक पॉइंट है जिसको कि हमने कह दिया कि ये एक पाइवेट पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है जिसके थ्रू रॉड ए बी टर्न करेगी। कैसे, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये क्या है, एक पाइवेट पॉइंट है। पाइवेट पॉइंट का मतलब हुआ एक फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। तो एक ए पे ये रॉड थी, ए बी, ए एक फिक्स पॉइंट हो गया और इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया और फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, पाइवेट पॉइंट मीन्स अ पॉइंट थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन रोटेट। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। सपोज ये एक पॉइंट पाइवेट पॉइंट था। ठीक है, इस पाइवेट पॉइंट पर ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये सपोज बी पॉइंट है, यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर। अब हमको यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स लगाना है या टॉर्क लगाना है, तो बेसिकली क्या हुआ, टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर। तो हमको एफ कहाँ पर लगाना है, ये ए क्या है, ये ए हमारा क्या है, पाइवेट पॉइंट है। ठीक है, पाइवेट पॉइंट का मतलब इसके थ्रू ये रॉड ए बी मूव करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फोर्स कहाँ पर लगाया, बी पे लगाया। तो ये पाइवेट पॉइंट ए से बी तक की डिस्टेंस जो है ये आर कहलाएगी। पाइवेट पॉइंट ए से बी तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। तो यानी कि जब हम एफ फोर्स लगाएंगे कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, टॉर्क के बराबर होगा या मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो ऐसे पूछे जाते हैं। सब लोग देखें, टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर, ठीक है। सो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये सभी को पता है। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, या अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो भी हमें क्या ज़्यादा मिलेगा? टर्निंग इफेक्ट। कैसे डिस्टेंस? डिस्टेंस फ्रॉम पाइवेट पॉइंट। कैसे डिस्टेंस? डिस्टेंस फ्रॉम पाइवेट पॉइंट, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला सेम, टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर होता है। अगर टॉर्क को हमने कांस्टेंट लिया और इसकी वैल्यू 1 कंसीडर की, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इंटू आर हो जाएगा। तो एफ क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू 1 अपॉन आर हो जाएगा। यानी कि एफ फोर्स और डिस्टेंस के बीच में कैसे रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर, टॉर्क की वैल्यू 1 कंसीडर की गई है, तो 1 इक्वल टू एफ इंटू आर। सो एफ इक्वल टू 1 अपॉन आर। फोर्स और डिस्टेंस के बीच में कैसी रिलेशनशिप आ गई? इनवर्स रिलेशनशिप आ गई, ठीक है। सो इन दो फार्मूले से हम लोग क्या समझे? इन दो फार्मूले से हम ये समझे कि अगर हम आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा। टॉर्क का मतलब टर्निंग इफेक्ट, यानी कि किसी चीज़ को हम रोटेट करा सकते हैं, किसी चीज़ को हम टर्न करा सकते हैं ईजली, अगर हम क्या बढ़ा दें? आर की वैल्यू को बढ़ा दें, ठीक है। आर का क्या मतलब हुआ? डिस्टेंस फ्रॉम पाइवेट पॉइंट। और दूसरे फॉर्मूले से हमको क्या पता चला है कि अगर हमने आर की वैल्यू बढ़ाई, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम पाइवेट पॉइंट को हमने बढ़ा दिया है, तो क्या चीज़ घट जाएगी? फोर्स घट जाएगा। यानी कि हम बहुत कम फोर्स लगा के किसी चीज़ को रोटेट करा सकते हैं, हम बहुत कम फोर्स लगा के किसी चीज़ को टर्न करा सकते हैं, ठीक है। अब इसी दो फॉर्मूले का यूज़ होगा केसेस को समझने के लिए, और यही जो इस पे बेस्ड केसेस हैं यही बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जब भी कोई भी केस पूछा जाएगा तो इन दोनों चीज़ों को लिखना मैंडेटरी होगा, ज़रूरी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट केस देखेंगे। केस क्या है? डोर का, ठीक है। ये डोर जो है यहाँ फिर फिक्स्ड है, तो ये पॉइंट क्या हो गया? पाइवेट पॉइंट हो गया। पाइवेट पॉइंट का मतलब ऐसा फिक्स्ड पॉइंट जिस पे कोई चीज़ क्या कर सके? रोटेट कर सके, जिसके थ्रू कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर सके। अब ये डोर का ये पाइवेट पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, और ये जो है लास्ट एंड है डोर का, ठीक है। अगर हम इस डोर को हमको ओपन करना है या क्लोज करना है, तो बेसिकली क्या हो रहा है? हमको रोटेट कराना होगा डोर को, ठीक है, या डोर को टर्न कराना होगा। तो हमको क्या लगाना होगा? मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, ठीक है। तो यानी कि अगर हमको इस डोर को क्लोज करना है या ओपन करना है, तो हमको क्या लगाना होगा? टॉर्क लगाना होगा। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ इंटू आर। तो हम क्या चाहते हैं? हम इस डोर को क्लोज करना चाहते हैं, यानी कि हम ज़्यादा टॉर्क लगाना चाहते हैं। तो ज़्यादा टॉर्क हमको कब मिलेगा? जब ज़्यादा टॉर्क हमको कब मिलेगा? जब आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टॉर्क ज़्यादा होगा। तो बेसिकली हमको कहाँ पर फोर्स लगाना चाहिए? हमको इस डोर के एंड पर फोर्स लगाना चाहिए या इस डोर के मिड पॉइंट पर फोर्स लगाना चाहिए ज़्यादा टॉर्क गेन करने के लिए? तो ऑब्वियस आंसर आएगा कि हमको डोर के एंड पॉइंट पर फोर्स लगाना चाहिए डोर को क्लोज करने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं एंड पॉइंट पे, तो हमको आर क्या मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है। ये पाइवेट पॉइंट है और ये यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो पाइवेट पॉइंट से फोर्स के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? आर कहलाती है। पाइवेट पॉइंट से फोर्स के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? आर कहलाती है। तो जब आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या चीज़ ज़्यादा हो जाएगा? टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में मेंशन करना है वो ये है कि एफ और आर कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी कि अगर आर की वैल्यू ज़्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा।
अगर हम किसी डोर को ओपन करना चाहते हैं या क्लोज करना चाहते हैं तो हम क्या चाहेंगे कि हमको कम से कम फोर्स लगाना पड़े और डोर या तो ओपन हो जाए या तो क्लोज हो जाए, ठीक है। तो अगर आर की वैल्यू ज़्यादा है तो जो हम फोर्स लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आर की वैल्यू ज़्यादा है तो फोर्स जो हम लगाएंगे वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इन्वर्सली रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अब अगर हम फोर्स ए पॉइंट पे लगा रहे हैं तो आर की वैल्यू ज़्यादा है, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा और गेट क्लोज हो जाएगा, और बहुत कम फोर्स लगाना होगा गेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम यही फोर्स मिडिल पॉइंट पे लगा रहे हैं गेट के, तो क्या है, आर की वैल्यू घट गई ना। आर की वैल्यू क्यों घट गई, क्योंकि आर क्या है, फोर्स और पाइवेट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। आर क्या है, फोर्स और पाइवेट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। तो वो क्या है, यहाँ पर मिडिल पे जब हमने फोर्स लगाया तो आर की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। जब आर की वैल्यू घट गई तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम इस गेट को क्लोज करना चाहते हैं बीच में फोर्स लगा के, मीन्स हम कहाँ पर फोर्स लगाएंगे, गेट के बीच में फोर्स लगाएंगे और हम चाहते हैं कि इस डोर को हम क्लोज कर दें, तो आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और जब आर की वैल्यू कम होगी तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा इस डोर को क्लोज करने के लिए और ओपन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, इस प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आप लिखेंगे, उसके बाद से इन दो चीज़ों को आप लिखेंगे। इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हैं, इन शॉर्ट आप ये लिख सकते हैं कि जब हम फोर्स कॉर्नर पे लगा रहे हैं तो आर की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और जब आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फोर्स कम लगाना होगा। यानी कि हम इस गेट को ईजिली क्लोज कर सकते हैं और ईजिली ओपन कर सकते हैं। इन द सेम वे, अगर जब हम फोर्स गेट के मिडिल में लगा रहे हैं तो आर की वैल्यू क्या है, कम है, और जब आर की वैल्यू कम है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें फोर्स ज़्यादा लगाना होगा। तो कौन सी कन्वीनियंट कंडीशन है, पॉइंट ए जो है वो कन्वीनियंट कंडीशन है, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि कम से कम फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट क्लोज या डोर जो है वो क्लोज या ओपन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन आई कि आर वन, इस केस में आर वन क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, आर टू से। तो फिर टॉर्क क्या होगा, टॉर्क वन बड़ा होगा टॉर्क टू से, मगर एफ टू क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा एफ वन से। क्यों, क्योंकि टॉर्क और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट आर और एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आर वन बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ टू बड़ा है एफ वन से। अगर आर वन बड़ा है आर टू से तो एफ टू बड़ा है एफ वन से। क्यों, क्योंकि आर और एफ के बीच की जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, और टी और आर के बीच की जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है।